ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य के प्रति अजागरूकता की अनदेखी और लापरवाही के कारण झोलाछाप डॉक्टर की भरमार दिखती नजर आ रही है। झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से जब हमारी टीम ने ऑपरेशन पड़ताल के तहत ग्वालियर जिले में जांच पड़ताल की तो कई झोलाछाप डॉक्टर शहर में इलाज करते मिले। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अनदेखी, फर्जी डॉक्टर बनकर किया जा रहा इलाज, आमजन की सेहत से कब तक चलेगा खिलवाड़, कब कार्रवाई करेगा स्वास्थ्य विभाग। जानकारी के मुताबिक कोई झोला छाप डॉक्टर 8वीं पास है तो कोई 10वीं पास है, फिर भी वह लोगों को ड्रिप चढ़ा रहे हैं। ना तो उन पर CMHO द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई डिग्री है, फिर भी इन फर्जी चिकित्सकों द्वारा दवाइयां दी जा रही हैं और मरीजों को ड्रेसिंग भी की जा रही है। बता दें कि तिगरा रोड पर झंडापुरा में डॉक्टर कल्याण उर्फ ब्रज किशोर कुशवाहा मरीज को ड्रिप लगा रहा है और दवाई दे रहा है। वहीं जब स्वास्थ्य संबंधित मानकों को लेकर शख्स से चर्चा की गई तो उसका कहना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें जेल हो जाएगी। आप मेरे संग देख सकते हैं, मैं झंडापुरा में बैठा हुआ हूँ। यहाँ डॉक्टर, क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह कुशवाहा जी, जो कि गाँव वालों की मतलब अच्छी मदद करते हैं यहाँ पर और कम कीमत में इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं और यहीं पर ही 30, 40, 50, 100 जैसी बीमारी हो, 200, 250 ऐसे लेके लोगों को मतलब इलाज उनका बढ़िया मिलता है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया था, हमने लगातार लोगों से पूछा, उनका अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, क्या नाम है? कल्याण सिंह कुशवाहा। कल्याण सिंह कुशवाहा, कितने सालों से आप मतलब ये? मेरे लोग हो गए 12-13 साल। तो 12-13 यहीं हो आप? जी। बीमारियों का इलाज करते हैं? बड़ी बीमारी नहीं करता मैं, छोटा बुखार है, टाइफाइड है, एक अलग करता हूँ। ड्रिप चढ़ाते हैं? ड्रिप कम चढ़ाता हूँ, बहुत कम चढ़ाता हूँ। तो देख क्या लगा, ड्रिप चढ़ रही है, अच्छी हो जाए वो टाइफाइड के लिए। ड्रिप तो चल रही है, ड्रिप किसी की ड्रिप हाँ हाँ। और मतलब ड्रेसिंग वगैरह ड्रेसिंग कर देते हैं, टाग मांगे लगाते हैं, मतलब चोट चपेट ले जाते बस। डॉक्टर आपने ये पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई का मैंने प्रैक्टिकल किया है। मतलब कंपाउंडरी? अनुभव जी, कंपाउंडरी। डिग्री नहीं? मतलब अभी डिग्री नहीं है। और तुम बनाओ तो बना दो, देखो जनता की सेवा हो जाएगी। उसके आगे आप इलाज कर रहे हो जी, क्या कर? आप तो आते हो, डिग्री होना, डिग्री जनता चाहिए तो बन जाएगी। जनता नहीं चाहती, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है आपका। रजिस्ट्रेशन डरा है, देखो बन जाएगा। अभी है तो नहीं ना? अभी नहीं, ना आप डेविस का होगा, ना फायर का होगा, ना कोई परमिशन है, फिर भी आप इलाज कर रहे हो। क्या करें, नहीं करें बोलो, करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पेशेंट लोग कर रहे हैं, देखो 10 रुपए में आगे कौन दे रहा है, दे रहा है क्या? कौन दे रहा? मैं दे रहा हूँ 10-20-30 रुपए में लगाता हूँ दवाई, तो मरीज को और मरीज सुस्त हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक सपोज अगर कोई केस एक बिगड़ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई भगवान चाहे सब, मैं हर एक्सी लेता नहीं हूँ। ये नहीं कह रहा कभी नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं सब स्वस्थ रहे। भाई चांद बिगड़ गया, देखिए असाधारण दुर्घटना घटी, तो फिर ये मरीज जो जिसके घुटा है वो क्या क्लेम करेगा, ये बताओ ना, क्लेम किस पे करेगा? क्लेम तो मुंह पे करेगा, होगा वो करेगा। आप तो कोई मतलब ना डिग्री ना कोई, तो आप कहते तो जेल जाऊंगा और क्या करूंगा मैं, चक्की पीसूंगा। तो आपने डॉक्टर सुनी, मतलब यहाँ के बेचारे गांव वाले सीधे साधे और डॉक्टर सीधे साधे मदद करते हैं, सिर्फ पैसे की बचत के लिए डॉक्टर साहब यहाँ मदद करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, कि उनको ट्रीटमेंट ही मिल जाता है और कम पैसे में उनका इलाज होता है। ऐसे ही दूसरी जगह जीवाजी गंज कटी घाटी पर KK अस्पताल का मालिक फिराज आसिफ अली अस्पताल खोल कर बैठा है। ना तो उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, ना ही अस्पताल में फायर सिस्टम लगा है, उसके बावजूद भी वह धड़ल्ले से मरीजों का इलाज कर रहा है। गोल पड़िया एवी रोड। डॉक्टर कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को 20 साल हुए करीब। 20 साल आप पे डिग्री किस? मेरे पास इलेक्ट्रोहोमोपैथिक की भी है और आयुर्वेदिक की रतन की भी है। लेकिन आप एलोपैथिक दवा देते हैं? एलोपैथिक देते हैं और आयुर्वेदिक भी इलाज करते हैं, लेकिन एलोपैथिक PCM वगैरह डेक्सा वगैरह ये टेबलेट देनी पड़ती है तुरंत उपचार के लिए। एलोपैथिक आयुर्वेदिक इतना जल्दी असर नहीं करता, इसलिए देनी पड़ती है प्राथमिक उपचार। भी करते हैं जी, ड्रेसिंग भी करते हैं। ड्रेसिंग करते हैं सर? तो ड्रेसिंग करना तो अलाउ है नहीं, आप भी जानते हैं। फिर आप कह रहे हो मेरे रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है। एक बार बताओ मेरे को, जब बाद में आदमी है जो उसके एक्सीडेंट हुआ है या फोड़ा फिंसी है तो उसकी पट्टी तो करनी पड़ेगी ना?
नहीं तो इसके लिए आप सीएमएचओ परमिशन होती बाकायदा सिस्टम होता है, आपने सिस्टम फॉलो किया क्या? नहीं, सीएमएचओ परमिशन कैसे देगा, वो तो देता ही नहीं हमको, कह रहा है एलोपैथिक की परमिशन ही नहीं है आपके पास। होती है तो अनलीगल काम है, तो एलोपैथिक आप अगर आप, और ये भी कोई एक डिग्री तो है नहीं, ये अभी जानते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप बोल दिया साहब प्राथमिक उपचार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं एलोपैथिक दवा की मना कर गए थे, फिर भी आप दे रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत देनी पड़ती है, क्या करें बताएं, कहीं ना कहीं शासन के नियम को लेंगे ना तो आप करते हैं। अरे साहब देखो, ऐसा मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, मैं कोई बिरला थोड़ी हूँ, ये बताएं मेरे को आप। ठीक है, 20 साल से लगातार चल रहे हैं और आपके दुकान पे कोई बोर्ड भी लगा है किस नाम से? बोर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ, 2 साल अभी 1.5 साल पहले तो लगी है दुकान, नई बनी है दुकान। कौन से डॉक्टर दिखाने आए हो? बदनाम लेके। कब से दिखा रहे हो? चाचा बच्चे आते हैं, लड़कियाँ लड़का सब लोग आते हैं। आराम मिलता है? बिल्कुल सही दवा देते हैं, बिल्कुल सही दवा। कितने पैसे लेते हैं? 60-70 रुपया फीस दवाई। मेरी चश्मे की दुकान है यहाँ पर, सिंगल ऑप्टिकल जरीरा। और ये दांतों की? दांतों की दुकान बच्ची चलता चलाती है। क्या नाम है उनका? चाली सिंगल। लेकिन वो कहीं मिलती है? हाँ। तो डॉक्टर आके डेविस की गाड़ी आती है? डेविस की आती है। कितने बजे आती है? सुबह आती है। कितने बजे? बोल सुबह 8:30-9 का टाइम रहता है। तो ये जो आपकी बच्ची सिंगल में, क्या नाम है? चाली चाली डॉक्टर है जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, वो कितने बजे तक मिलती है? पेशेंट को कितने तक देखती है? वो सुबह शाम बैठती है। टाइमिंग? टाइमिंग वही 11 से 2, शाम को 6 से 8। ऐसा ही मामला गुड़ा गुड़ी के नाके का डॉक्टर बंगाली हजीरा क्षेत्र में ओपी सिंगल समेत क्षेत्र में कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जिला सीएमएचओ और फूड सेफ्टी अधिकारी सचिन श्रीवास्तव को कम से कम 25 झोला छाप डॉक्टरों की सूची दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कार्रवाई करेंगे या यूं ही झोला छाप डॉक्टर आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करते रहेंगे। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिस्तारिया की ग्राउंड रिपोर्ट। झोला छाप डॉक्टर जो है सक्रिय होगा जी, बहुत सारा पर 2,500 सक्रिय, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? नहीं, अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है, उसको मैं दिखवाता हूँ और जो भी नियम उसमें कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करूँगा। क्योंकि सर ना तो उनका रजिस्ट्रेशन है ना उनका कुछ भी है, लेकिन चला रहे जी, आपने मेरे संज्ञान में ला दिया है तो मैं इसको दिखवा के और उसमें जो भी नियम उसमें कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।